राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? कल तो आप हमारी छोटी तितली देवी से मिल लिए होंगे। वो क्या है ना, कुछ काम की वजह से हम आ नहीं पाए, तो हमने उसको भेज दिया। अब हम भले ही लेट हो जाएं, लेकिन आपका मनोरंजन नहीं रुकना चाहिए। अब मनोरंजन तो अनुपमा में खूब देखने को मिल रहा है, जहाँ भगवान अनुज को उसके कर्मों का फल दे रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं मुस्कान पर बड़ी मुसीबत आने वाली है, और इसका फायदा उठाएगी सुरेखा चाची। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट, बचाएगा सई की जान। अब ये तो थी तीनों शोज की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। चलिए पहले चलते हैं अनुपमा के घर और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। पहले तो अनुज अनुपमा को टाल रहा था, लेकिन आज अनुपमा के पास समय नहीं है कि वो अनुज को समय दे पाए। पहले अनुज भले ही मजबूरियों की वजह से अनुपमा से मुंह मोड़ रहा था, लेकिन अब अनुपमा अनुज को भाव नहीं दे रही है। बेचारा उससे मिलने के लिए समय मांगता है। पहले तो अनुपमा हाँ कर देती है, लेकिन फिर मिलने से इनकार कर देती है। अब अनुज को बुरा तो लगता है, लेकिन अब वो करे भी तो क्या करे, वो तो पहले ही उसका त्याग कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ वनराज के बाप बनने को लेकर घर में हंगामा हो रहा है। होता ये है कि वनराज के पिता बनने की खबर सुनकर समर भड़क जाता है। वो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, ससुर बनते ही आप पिता बन गए। अब डिम्पी भी गुस्से में कहती है कि यहाँ हमारी शादी को 1 घंटा नहीं हुआ, लेकिन अब ये पता चल रहा है कि मेरा छोटा देवर या छोटी नंद आने वाली है, अब इस पर लोग क्या कहेंगे। अनुपमा कहती है कि माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती, और ये काव्या का पहला बच्चा है। वनराज भी कहता है कि मुझे लोगों के कुछ भी कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन काव्या अब इसी घर में रहेगी। वनराज का सपोर्ट पाकर काव्या भी खुशी से फूली नहीं समाती है, लेकिन कहती है कि इस बात को हजम करने में लोगों को समय लगेगा, और हमें लोगों को थोड़ा समय देना भी चाहिए। अब बा अनुपमा को ताना देती है कि घर में एक खुशखबरी आई तो दूसरी ये शोक मनाने वाली बहू आ गई। तू तो मेहमानों की तरह चली जाएगी और बाद में अमेरिका से वापस नहीं आएगी, झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अनुज अनुपमा के ख्यालों में गुम है, और माया अनुज से सवाल करने आ जाती है। वो कहती है कि अनुपमा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, क्यों उसे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अनुज कहता है क्योंकि वो मेरी अनुपमा है, और उसे मुझ पर पूरा विश्वास है, और मेरी मजबूरी को भी समझती है। मैं हमेशा उसके पास आने का इंतज़ार करूंगा, लेकिन कभी हमारे बीच किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। माया कहती है कि अगर अनुपमा वापस नहीं आएगी तो क्या करोगे। अब अनुज कहता है कि 26 साल एक तरफा प्यार में इंतज़ार किया है, और अब तो वो भी मुझसे प्यार करती है, पूरी ज़िंदगी उसी के इंतज़ार में काट सकता हूँ। इसके बाद अनुज अनुपमा को मिलने के लिए फ़ोन करता है। अनुपमा पहले तो हाँ कर देती है, लेकिन तभी गुरुमा का फ़ोन आ जाता है, और वो उसे बुलाती है। इसके बाद बाबी अनुपमा को फ़ोन करती है कि 9 बजे शादी की रस्में हैं, सो आ जाना। अब अनुपमा तीनों तरफ से फंस चुकी है। अब अनुपमा आने वाले एपिसोड में अनुज और बा को पीछे छोड़ सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगी। और गुरुमा ने भी जब से अनुपमा को देखा है अनुज के साथ, पता नहीं उसे क्यों लग रहा है कि अनुज अनुपमा के करियर पर पानी फेर सकता है, इसलिए बार बार गुरुमा अनुपमा को अपने काम और जिम्मेदारी पर फोकस करने के लिए कहती है। उधर डिम्पी का शादी के 1 दिन बाद ही AC तो कभी कमरे को लेकर कलेश शुरू हो चुका है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं मुस्कान और कैरव की शादी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन मुस्कान की वजह से सब कुछ कुड़ गोबर होने वाला है। अरे मुस्कान ने इतनी महंगे हीरे की अंगूठी जो खो दी है, और अब मोटे मोटे आंसू गिराकर रो रही है। हालांकि अभिनव कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वैसी अंगूठी बनवा दे, लेकिन सुरेखा को तो सारा मामला पता चल चुका है, और वो तो पहले से ही घोड़े पर सवार थी, और अब उसी स्पीड से घर में हंगामा कर देगी। अब देखना होगा कि अक्षरा और अभिनव कैसे मामले को संभालेंगे। वैसे अक्षरा को तो मंजरी को भी संभालना है, जो उसी के घर में आकर ठहरी है। होता यह है कि अक्षरा की मदद करने के लिए आरोही आती है। वो कहती है कि जैम बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि किचन का काम तो मुझे आता नहीं, कहीं मैं इस जैम का अचार ना बना दूँ। अक्षरा कहती है कि इसमें कोई मेडिकल साइंस वाली बात थोड़ी है, लेकिन आरोही कहती है कि कितना अजीब है ना कि इतना सब होने के बाद भी हम साथ हैं, हमारी किस्मत बार बार हमें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अब आरोही की अजीबोगरीब बातें सुनकर अक्षरा कहती है कि कोई बात तो है जो तुझे अंदर से परेशान कर रही है तो मुझे बता सकती है, लेकिन आरोही अपने दिल की बात नहीं बताती। दूसरी तरफ अभिमन्यु हॉल में तख्त पर सोता है, क्योंकि नीलम के मेहमान आए हैं। अब अक्षरा कहती है कि ये तख्त बहुत सख्त है, और यहाँ पर सोना बहुत मुश्किल होगा,
लेकिन अभिमन्यु कहता है कि मेरी बहन की शादी है और इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। इसके बाद मंजरी की एंट्री हो जाती है जो अभिमन्यु से कहती है कि अब सही समय आ गया है कि अभीर को सच बता दिया जाए। लेकिन अभिमन्यु कहता है कि ये फैसला मैं और अक्षरा लेंगे और ध्यान रहे कि ये शादी का घर है और हमारी वजह से यहाँ का माहौल न खराब हो। उधर मुस्कान ने कायरव की दी हुई अंगूठी खो दी है और रो रो कर नीलमा और अभिनव को बताती है। अभिनव वैसी ही अंगूठी बनवाने की कोशिश करता है। अब दोनों की बातें सुन लेती है सुरेखा चाची और अब तो दोबारा हंगामा करने का वो एक मौका नहीं छोड़ेगी। वहीं घूमे किसी के प्यार में अब थक हार कर सत्या भी सई और विराट के मिलन के लिए तैयार हो गया है। वो खुद विराट को फोन करके कहेगा कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है और मैं खुद को पीछे हटा रहा हूँ। लेकिन फिर एक बार सई विराट को छोड़कर सत्या को भी चुनेगी। अब सत्या को लग रहा है कि सई उस पर ये सब तरस खाकर कर रही है। वो सत्या तो वैसे ही उससे पहले से उखड़ा खुड़ा रहता था। होता ये है कि विराट सभी के लिए पतंग लेकर आता है और उसे पतंग उड़ाना भी सिखाता है। अब सभी की आवाज़ सुनकर सई भी उसे देखने के लिए चली जाती है और वहाँ पर विराट के साथ पतंग उड़ाने लगती है। सत्या भी वहाँ आ जाता है और तभी सई वहाँ मौजूद एक गड्ढे में गिर जाती है। अब बेचारा सत्या उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। तभी विराट वहीं आकर सभी को निकाल लेता है। अब दोनों की नज़दीकियाँ देख सत्या को जलन होती है और वो खुद को कोसता है कि वो इतना लाचार हो गया है कि अपनी ही पत्नी को नहीं बचा पाया। वो तो गुस्से से सही से कह भी देता है कि वो वापस विराट के पास चली जाए और उसके ऊपर तरस ना खाए। अब आगे आने वाले एपिसोड में सत्या खुद विराट को फ़ोन करके दोनों के प्यार की तारीफ करेगा और एक होने की बात भी कहेगा। लेकिन विराट का कहना है कि सई कभी भी उसके पास वापस नहीं आएगी। अब खुद सई भी विराट के पास वापस जाने से मना कर देती है क्योंकि वो सत्या को एक जिम्मेदारी की तरह देख रही है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।